चैनल है मेरा ब्लॉग चीन। कौन सा? स्वाति ब्लॉग सा। हाँ, ये बताया अभी कि जो है वो हमने देखा है, तो वही हमने पूछा। तब आप देखे तब अभी वीडियो देखे क्या हुआ है बता दीजिए। तो पेट्रोल खत्म हो चुका है दोस्त, अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। सकते हैं इनका पेट्रोल खत्म हो गया है बाइक का, देख सकते हैं डगरा रहे हैं। देखिए चलिए देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप है कहाँ। पेट्रोल तो खत्म हो चुका है, इनको देख सकते हैं डगरा रहे हैं कैसे। दोस्तों हम लोग फाइनली पेट्रोल पंप पे पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं वो वहाँ पे हैं। और ये रहा पेट्रोल पंप, तो हम लोगों को घुदौलिए भी जाना है, तो मतलब घुदौलिए में ही है, मार्केट में जाना है। देख सकते हैं बाइक डगरा रहे हैं कैसे, ठंडा हो चुके हैं बढ़िया से। अब खराब हो गया, 100 रुपये देखो भरवाइए क्या दगा कि फिर 100-100 कीजिएगा। 100 रुपये तो ना, हम आप उधर भगवा ना देंगे। 1.5 किलोमीटर हम लोग पैदल चल कर आए हैं, मतलब बाइक डगरा कर, तब फिर यहाँ पर टंकी मिला, व्हाइट कलर टंकी, वहाँ पर हम डलवा रहे हैं। गिरजाघर चौराहा के बगल में है दोस्तों, देख सकते हैं वो तेल भरवा रहे हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग को पेट्रोल मिल गया, अब यहाँ से हम लोग मार्केट में जाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग गोदवलिया मार्केट में आ चुके हैं, देख सकते हैं पीछे का व्यू। देखिए ये है गोदवलिया मार्केट, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेने आए, दूसरा दिन आई है ये गोदवलिया, समझ सकते हैं कुछ सामान इसका बचा हुआ था, नहीं खरीदी थी, कोट खरीदना है तुम्हें, तो चलो कोट कर लो, देखते हैं पसंद आता है कि क्या पहले, चलिए घूमते हैं कम दाम में। अच्छा देख लो दोस्त, अभी हम दोनों लोग गोदवलिया आए हुए थे, दशा स्वर्मेध घाट घूम रहे हैं, तो देख सकते हैं क्या खरीद रही है। क्या ले रही हो स्वाति? डब्बा गंगा जल। देखें देखें, दिखा दो लोगों को कितने का है ये। 10 रुपये का ली है, इसमें गंगाजल लेकर जाएगी। अभी फाइनली दोस्त हम दोनों लोग दशा स्वर्मेध घाट पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं ये आरती होती है यहाँ पर, नहीं ना हो रही है आरती हो रही है, देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ हम देखें कि बहुत सारे लोग देख सकते हैं ये वाला ऐसा, और ये वाला आप लोग क्यों रखे हैं? दर्शन कराने के मतलब बुजुर्ग आदमी के, जो बुजुर्ग लोग कम चल पाते हैं, तो मतलब कैसे आपको पता चलता है कि कम लोग चल रहे हैं? खुदे दिखाता है कि कम चलने वाले डंडा लेके चलते हैं, लगड़ा के चलते हैं। हाँ, तो आप लोग क्या करते हैं, घर तक छोड़ाते हैं, मतलब वहाँ रोड तक छोड़ देते हैं, जहाँ साधन मिलता है वहाँ छोड़ देते हैं। तो कुछ पैसा भी लेते होंगे ना? पैसा देवे करते हैं, मतलब अपना चार्ज रखते हैं ना। तो बाकी दोस्तों ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, देख सकते हैं कुछ लोग ये अपना काम भी कर रहे हैं, देख सकते हैं ये जैसे कि यहाँ पर लोग पहुँचाने और घाट से और जहाँ तक गाड़ी बस जाती है वहाँ तक लोग ये सब पहुँचाने और आने जाने के काम में भी सहयोग कर रहे हैं। और जितना इन लोगों का चार्ज होता है, जैसे कि मतलब जो होता है वो लोग बोलेंगे, अगर आप चल फिर सकने में अगर असमर्थ हैं तो आप दशा स्वर्मेध घाट इस गाड़ी से आ सकते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ घाट पर, बहुत भीड़ लग रही है यार, आरती देखने के लिए यहाँ पे इतने लोग, बहुत भीड़ लगी हुई है घाट पर, आरती हो रही है, देख सकते हैं मैं आपको भीड़ को दिखा रहा हूँ। क्या क्या करेंगे, कैसे लेंगे, जाना पड़ेगा नीचे तो आशी घाट पर कल लेना, कभी कभी दूसरा दिन ले लेना। चलो ना चलते हैं घर ना दोस्त, इसे गंगाजल लेना था लेकिन इतना भीड़ है कि बस की बात नहीं लग रही है। और स्वाति कुछ बोलना चाहते हो, क्या करेगी अब? अब दूसरे दिन कभी आएंगे तो गंगाजल ले लेना ना, गंगाजल भीड़ है यहाँ। तो गंगाजल को क्या करोगी? पूजा जो करते हैं तो मेरे पास गंगाजल नहीं है। तो अभी कल या परसों कभी आप दूसरा दिन आएंगे तो कोई भी घाट से उठा सकते हो ना, 80 घाट वगैरह कोई भी गंगाजल से मतलब है ना। दोस्तों देख सकते हैं मुझे फाइनली पसंद आ गया, जैसे ढूंढ रहे थे मुझे वैसा मिला। दिखाइए तो आप पीछे से दिखाइए ना बैक कैमरा से, देख सकते हैं ये पसंद की है। कितने का है ये? हाँ 350 फिक्स रेट, कुछ कम
कुछ कम कर दिया, वही बार्गेनिंग नहीं दिया। तेल का मतलब क्या, ये 350 रुपये का बोल रहे हैं और स्वाति को पसंद भी है। इसका कलर डिजाइन मुझे हर कुछ पसंद है, पूरा दिखाइए देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लेते हैं। दोस्तों हम लोग मार्केट तो कर लिए, देख सकते हैं यहाँ स्वेटर ले लिए हैं और यहाँ पे हम लोग खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। 80 रुपये प्लेट है, देख सकते हैं ये दुकान है। 80 रुपये थाली लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 80 रुपये थाली। और हम लोग अभी खाने वाले हैं, एक थाली में दोनों लोग खा जाएंगे 80 रुपये में दोनों लोग। तो पहली बार खा रहे हैं, 10-100 में घाट आए हुए थे गोदवरिया, इसके लिए शॉपिंग कराने के लिए हम उसको शॉपिंग करा दिया, ठंडा का सामान खरीद लिया है। ठंडा का सामान खरीदना का है, एक कोट खरीदी है, जैकेट ना वहीं बस हो गया है। तो चलते हैं 80 रुपये में थाली खाते हैं, दिखाते हैं 80 रुपये थाली में क्या क्या मिलता है। भैया खाना दे दीजिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में और नीचे बहुत सारे लोग हैं देख सकते हैं, और हम लोग जा रहे हैं ऊपर देख सकते लड़ गए स्वाती है। और ऊपर के बात कहे तो दोस्त ऊपर सब खाली है, रोड की तरफ का व्यू आप देख सकते हैं। क्या क्या चाहिए तुम्हें बताओ तो। खाना ले लीजिए ना, थाली लाइए, एक थाली सिर्फ, बढ़िया बढ़िया लेते हैं आइटम। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है देख सकते हैं, अगर ऊपर के बात कहें तो सब खाली है। इधर देख सकते हैं रास्ता यहीं चल जाता है 10-100 मेध घाट की तरफ, इधर गोदवलिया चौराहा। रोटी सब्जी, दो सब्जी है, चावल है, दाल है। टेस्ट कैसा है? हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मत खाइए, रख दीजिए, पैसा ना लगा है, खा लेते हैं। चलिए हम भी ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं। हम लोग इसीलिए एक ही थाली लिए हैं, दो थाली नहीं लिए हैं, एक ही थाली। दोस्तों हम लोग खाना तो खा लिए हैं, मुझे खास ये लगा, खाना नहीं लगा, हम तो छोड़ दिए, वो खा के ख़त्म किए हैं। देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये पेमेंट कर रहे हैं, खाना खा लिए हम लोग। दोस्तों अभी हम दोनों लोग खाना खा के निकल रहे हैं, देख सकते हैं पीछे 80 रुपये थाली है। अरे यार एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतना भीड़ है ना, देख सकते हैं, देख सकते हैं कि ये लोग कैसा भी बनाए तो भी लोग खाएंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ की स्थिति बताए, यहाँ पर रोड पर दो तीन लोग खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हमारे होटल में जाइए, हमारे होटल में आइए, हमारे होटल में आइए, बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहा है। लेकिन हमको खाना थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। 80 रुपये में थाली था, 80 रुपये में समझ सकते 4 गो रोटी, हाफ प्लेट चावल, सब्जी, दाल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलिए मैं स्वाति से जानना चाहूँगा, स्वाति तुम्हें कैसा लगा? मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद है, आपके वजह से खाएंगे, अभी ना बोले हैं घर का खाना नहीं बनेगा, चलो खा लो। तो आखिर तो तुम ही चूज की हो ना, हम तो चिकन बोल रहे थे खाने के लिए, तुम बोली कि 80 रुपये थाली है, चलो चलो चेक करते हैं। हम चिकन खाते हैं? नहीं, ये चिकन नहीं खाती है। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि इधर घूमने कहीं आए तो बाहर में आप लोग चाउमीन वगैरह, चिकन वगैरह खा लीजिए, मोमोज वगैरह खा लीजिए, लेकिन मैं आपको खाना खाने का कभी मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप लोग खाना खाइए। और देख सकते हैं ये काशी विश्वनाथ द्वार है, पुराना वाला काशी विश्वनाथ द्वार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोदवलिया चौराहा और वहीं पर हम लोग बाइक लगाए हुए हैं। स्वाद क्या हो रहा है, जल्दी चलो, देख सकते हैं हम शॉपिंग तो इसको करवा लिए हैं लेकिन फिर भी बोल रही कि ये चीज़ अच्छा लग रहा है, वो चीज़ अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ये रास्ता में चल नहीं रही है, मैं इनका हाथ पकड़ कर चल रहा हूँ। ये मतलब मार्केट जोग नहीं है, तो कोई भी सामान को देख रही है इधर उधर तो बोल रही है कि वो अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, वो साड़ी अच्छा है, जो दिखने में अच्छा लगे उसको अच्छा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, तुम लेने के लिए बोल रही है कि अच्छा लग रहा है ये चीज़। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे आए थे सूट के लिए और ले लिए हैं, ये मेरा सूट है। तो चलिए हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। दोस्तों हम लोग घर के लिए जा रहे थे तब तक रास्ते में एक लस्सी का शॉप मिल गया, देख सकते हैं ये है लस्सी का शॉप, यहीं पे हम लोग चले लस्सी पीते ना। तो चलिए हम लोग लस्सी पीते हैं। 40 रुपये का है लस्सी, यहाँ पर दो दीजिए भैया लस्सी को। दोस्तों देख सकते हैं हमारा लस्सी आ गया है, ले
देख सकते हैं ये लस्सी है इनका, गिर जाएगा नहीं गिरेगा। चलिए हम लोग यहाँ 40 रुपए का है, 40 रुपए का मेरा, 40 रुपए का इसका। पहले खाते हैं लस्सी को उसके बाद हम आप लोगों को टेस्ट बनाते हैं कैसा लग रहा है। तो हम दोनों लोग लस्सी पी लिए, देख सकते हैं पीछे ये स्पेशल लस्सी का ही शॉप है। स्वाति आ रही है तो स्वाति बताइए कि लस्सी कैसा लगा। कौन सा यूट्यूब चैनल है? चैनल है मेरा ब्लॉग चीन। कौन सा? स्वाति ब्लॉग सा। ये बताया अभी कि जो है वो हमने देखा है तो वही हमने पूछा। तब आप देखे तब अभी वीडियो देखे पीयूष कुमार और मैडम का पीयूष स्वाति लिखिएगा तो आ जाएगा हम लोग का सारा वीडियो। अच्छा, कौन सा फूड ब्लॉगर की बस ट्रेवल जहाँ अपना लाइव पीछे ब्लॉग है हम लोग का, जो काम करते हैं वो चीज़ दिखाते हैं जहाँ जहाँ घूमते हैं। अभी तो बनारस का अभी तो एक महीना आया हुआ हुआ तो अभी एक महीने मतलब जॉब के लिए डाला था ना। हाँ बहुत काम के आदमी। और बात एक्चुअली है कि दो भैया लोग थे पहचान गए ना साथ में। अच्छा लगता है जब हमें कोई पहचान लेता है यहाँ पे। अभी देव दिवाली की बात है, दो पुलिस वाले भैया लोग पहचान गए थे ना साथ में। हाँ, वो लोग हम लोग का वीडियो देख रहे थे, तब तक हम आ गए तब तो आके बुरा लगे कि देखो हम तुम लोग का ही वीडियो देख रहे थे, मेरा चैनल पे देख रहे थे स्वाति ब्लॉग पे ना। अच्छा लगता है जब लोग वीडियो देखते हैं तो, और मिल भी जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। लस्सी तुम्हें तो अच्छा लगा? हम तो लस्सी वगैरह नहीं पीते हैं तो अच्छा लगा कि नहीं? हम तो कभी कभार पीते हैं, हमको कहाँ टेस्ट बुझाएगा। अच्छा लगा। हाँ, तो अब चलते हैं घर। ये बाइक रहा और ये मेरी धर्म पत्नी मिस्टर स्वाति देख रहे, बड़ा खूबसूरत दिख रही है इस कोट में, देख सकते हैं। हम लोग घर के लिए निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं और खाना तो हमने ही बनाया क्योंकि बाहर से खा के आए थे। तो ये बोले थे कि बाहर खा लेते हैं, हम घर पे मत बनाना लेट हो जाएगा जाने में, तो हम लोग बाहर ही खा के आए हैं। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।